हेलो दोस्तों, मैंने जो लास्ट टू पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया थे कि कैसे आप स्टेट बैंक से पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लोन ले सकते हैं, उसने बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किया कि 1000 बाट के लिए कितना कॉस्टिंग लगेगा, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस है, बैंक लोन नहीं देता है, ये सब कमेंट मुझे मिला है। तो मुझे लगा कि अभी भी लोगों को बीच में जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए था पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर, वो नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के बेसिस पे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंडे देने वाला मुर्गी और ब्रॉयलरी का बिजनेस ही आप पोल्ट्री फार्मिंग में कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे बिजनेस मॉडल है जो आप ये पोल्ट्री की बेस के ऊपर कर सकते हैं। तो उनका जो ओवरव्यू है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फिनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूं, जो आपको डे टू डे फिनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो चीज है कि जब भी हम लोग सोचते हैं कि कोई पोल्ट्री का बिजनेस करे, वो ब्रॉयलर हो सकता है, लेयर हो सकता है, पहला जो रोड ब्लॉक है जिसमें हम लोग रुक जाते हैं वो है कैपिटल। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि ब्रॉयलर के लिए मिनिमम 3 से 4 लाख चाहिए, लेयर बाट के लिए मिनिमम 60 से 70 लाख चाहिए। और इससे क्या होता है कि हम लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, खासकर कि जो लोग स्टूडेंट है, जो जस्ट ग्रेजुएशन करके निकला है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। और जब आप बैंक में जाते हैं, बहुत सारे केसेस में बैंक लोन भी रिजेक्ट कर देता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने छोटे से कैपिटल में आप कितने छोटे पैमाने पे ये सब बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो पहला जो बिजनेस मॉडल है वो है ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग। ये स्पेशली नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। तो अगर आप लोगों को पूछेंगे तो वो लोग कहेंगे कि मिनिमम 1000 बाट की जरूरत पड़ता है ये ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने से। लेकिन 1000 बाट शुरू करने के लिए एटलीस्ट आपके पास 2 से 3 लाख कैपिटल की जरूरत होता है। इसके अलावा उनका जो रिस्क होता है वो भी ज़्यादा होता है अगर एक बार मर जाए, क्योंकि शुरू में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता तो उसका जो नुकसान है वो भी ज़्यादा होता है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप 100 ब्रॉयलर चिक से ये बिजनेस शुरू कीजिए। घर के सामने आपका जगह होता है, आपका घर के रूफटॉप में जगह होता है, वहाँ पर छोटा सा सेट बना के आप 100 बाट से ये बिजनेस स्टार्ट कीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि पहला तो बात है, आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो आपका जो नुकसान है वो ज़्यादा नहीं होगा और आपका इनिशियल जो कैपिटल है वो बहुत कम होगा। हाँ, 100 बाट से आप कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई कंपनी के साथ टाई अप नहीं कर सकते, मुझे पता है। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि खुद का एक्सपीरियंस, खुद का नॉलेज होना ज़्यादा जरूरी होता है, नहीं तो ये टाई अप कंपनी वाले भी आपको एक्सप्लॉइट करेगा। तो व्हाई नॉट स्टार्ट विथ 100 बाट। इसके लिए ज़्यादा कुछ जगह की जरूरत नहीं, 1 स्क्वायर फुट लगता है पार बाट के लिए। तो बहुत छोटा सा जगह पे एक सेट बनाइए, ऊपर में आप घर के बिजली से भी सेट बना सकता है। अगर पैसा बचाना चाहता है आप बम्बू एंड जो राइस का जो स्टेक होता है उसको लेकर आप सिंपली एक सेट बना सकते हैं जो 3-4 हज़ार में हो जाएगा। और चिक्स आप 110 खरीद लीजिए। और क्या होगा कि इससे इतना छोटा से शुरू करने से आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और जब 1-2 बैच आप ठीक से आप सेल कर पाएंगे मार्केट पे, उसके बाद आप बड़ा कुछ सोचिए। हाँ, आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले भी आपको लोन देने का चांस ज़्यादा होगा क्योंकि आपका एक्सपीरियंस पहले होगा। बैंक देखेगा, हाँ ये बंदा कोशिश कर रहा है, 100 बाट से 2-4 बार सक्सेसफुली सेल किया है, तो बैंक से लोन मिलने का चांस भी ज़्यादा होगा। ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में मैं डिटेल में इसमें नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ मैं बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर रहा हूं। और इसका डिटेल में अलग से वीडियो में पार्ट पार्ट करके एकदम टोटो जो भी करना है उसका पूरा डिटेल में आपको बाद में अलग वीडियो में बनाऊंगा। तो दोस्तों, दूसरा जो बिजनेस मॉडल है वो है लेयर बाट पोल्ट्री फार्मिंग, जो स्पेशली साउथ इंडिया में पॉपुलर है।
इसमें जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है वो है कैपिटल, क्योंकि अराउंड 10,000 बाट के लिए आपको 60 से 70 लाख पैसे की जरूरत पड़ता है। आप कोई भी वीडियो देखेंगे, कोई भी गाइडलाइन देखेंगे, बोल कहता है कि 10,000 से कम मत कीजिए। दोस्तों मुझे ये नहीं लगता, आई एम टोटली डिफर विद दिस कंसेप्ट, क्योंकि इससे क्या होता है, ये जो बिजनेस है ना, कुछ बड़ा बड़ा बिजनेसमैन और फार्मर के पास ही रह जाता है। आई थिंक मेरे हिसाब से ये डिलीवरली वो लोग करते हैं। इससे क्या होता है कि छोटा छोटा जो फार्मर ये बिजनेस में नहीं आ पाते। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो लेयर बर्ड का फार्मिंग है ना, इसके लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है एक सेट, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं बैटरी, बैटरी नहीं तो केज एक कहता है, जिससे क्या होता है कि केज के अंदर ही मुर्गी रहता है, वहाँ से अंडा देता है। तो अगर दो छोटा छोटा सेट बना के, एक में आप वो केज रखिए और दूसरा में खुला उनको छोड़ दे 100 वाट को लेकर, थोड़ा बड़ा करके उसको केज में ट्रांसफ़र कीजिए और उनके साथ आप पहला जो एक्सपीरियंस है वो आप गेन कीजिए। ये जो बॉयलर और ये लेयर बर्ड, ये दोनों के लिए आप एक काम कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ट्रेनिंग दिया जाता है 1 महीने का, वो आप शुरू में ले लीजिए। और लोकल जो वेटरनरी डॉक्टर है उसके साथ भी थोड़ा कॉन्टैक्ट में रहिए। इससे क्या होगा, अगर 100 बाट से सिर्फ 2-3 केज खरीद के आप ये शुरू कर सकते हैं, और ये केज आप बहुत सारे कंपनी है जो आपको सप्लाई भी कर देगा अगर आप ऑनलाइन में सर्च करेंगे तो, ठीक है। तो ये केज खरीद के और 100 बाट लेयर बाट लेके कोई भी अच्छे से हैचरी से आप ये बिजनेस शुरू कीजिए। लेयर बर्ड में क्या होता है कि बहुत ही प्रॉफिटेबल है, लेकिन एज बिकॉज लोग बहुत बड़ा बड़ा एस्टीमेट बोलते हैं, हम लोग वो स्टार्ट करने में डर जाते हैं। अगर आप सक्सेसफुल रहा तो धीरे धीरे आपका जो बाट का नंबर है आप बढ़ाइए, आप एक एक करके केज खरीदते जाइए। हाँ, घर अब मैंने पहले ही बताया, घर के लिए आपका जो रूफ टॉप है, नहीं तो घर का सामने का जो छोटा जगह है वो यूज़ कीजिए। दोस्तों बड़े में शुरू में मत जाइए, ये इससे क्या होता है कि हम लोग शुरू ही नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से बहुत छोटा करके शुरू कीजिए ये लेयर बर्ड नहीं तो पोल्ट्री का बिजनेस, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करने से बाद में आप उसको बढ़ाइए। थर्ड जो पोल्ट्री मॉडल, मतलब बिजनेस मॉडल हो सकता है पोल्ट्री के, वो है हैचरीज। दोस्तों ये जो बॉयलर और लेयर बर्ड है उनके लिए चूहे की जरूरत पड़ता है, छोटा जो चिक्स होता है, उनका बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा कैपिटल की जरूरत पड़ता है, इंक्यूबेशन मशीन, कुछ मशीनरी खरीदने की जरूरत पड़ता है। तो अगर आपके पास कुछ अच्छा खासा कैपिटल हो तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने से अब आप खुद बॉयलर नहीं तो लेयर बर्ड कर रहे हैं उसके साथ अटैच करके ये बिजनेस कर सकते हैं, नहीं तो अलग से सिर्फ हैचरी का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप छोटा छोटा चूहे जब आएंगे आप फार्मर को डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी है उनको भी आप चूहे सप्लाई कर सकते हैं एज ए आउटसोर्सिंग एजेंट, और अच्छा खासा इनकम आप इससे कर सकते हैं। दोस्तों ये जो ये है, इसके डिटेल में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, इससे क्या होगा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये जो मॉडल है, ये मॉडल के बारे में मैं अलग अलग से पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। मतलब हैचरी जो बिजनेस है वो भी आप ये पोल्ट्री मॉडल पे कर सकते हैं। थर्ड जो बिजनेस वो है कि ब्रॉयलर का जो फूड होता है, फीड होता है ना, उनका बिजनेस, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, और इसके लिए सिर्फ आपको 1-2-3 लाख का एक मशीन खरीदना पड़ता है छोटा करके आप शुरू करने के लिए। अब जो इंग्रेडिएंट होता है वो फीड का, वो आपको मार्केट से खरीद के वो मशीन में उसको मिक्स करके सेल करना है, एज सिंपल एज दैट। इनका भी मैंने डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मॉडल, एक ये मॉडल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मॉडल आप पोल्ट्री लेयर के एक साथ कर सकते हैं, नहीं तो जो आपको मैंने पहले बताया हैचरी उसके साथ भी एक साथ कर सकते हैं, लेकिन अलग से स्पेशलाइज करके सिर्फ आप पोल्ट्री फीड बनाने का बिजनेस भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सेफ शॉप लगेगा, एक ट्रेड लाइसेंस लगेगा और एक मशीन लगता है, जिस मशीन से आप ये जो पोल्ट्री का फीड बना के आप मार्केट में, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, नहीं तो फार्मर के पास सेल कर सकते हैं, और आप एक आउटसोर्सिंग एजेंसी की तरह काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एज ए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी के हिसाब से भी काम कर सकते हैं।
ये सुन के आप लोगों को लगा होगा कि मुझे तो बहुत कैपिटल की ज़रूरत है, बहुत बड़ा बिजनेस हाउस की ज़रूरत है। नहीं दोस्तों, बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रोफाइटरशिप फार्म है वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में काम कर रहा है। आपसे 5-10 फार्मर को लेकर स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास चिक्स नहीं है तो जो हैचरी का बिजनेस करता है, जो मैंने पहले बताया, उसके साथ पास से आप चिक लीजिए। जो फूड बनाता है उसके पास से आप फूड लीजिए, ठीक है। जो मेडिसिन रखता है उसके पास से मेडिसिन लीजिए और फार्मर को सप्लाई कीजिए, और फार्मर का जो प्रोड्यूस है जो बड़ा हो जाएगा वो माल लेके मार्केट में जो पोल्ट्री सेल करता है उनको डिलीवर कर दीजिए। मतलब आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको सिर्फ मिडिल मैन की तरह काम करना है और बाकी सबसे सब कुछ लेके और उसको सिर्फ सेल कर देना है मार्केट पे, नहीं तो जो सेल कर रहा है उसके पास भेज देना है। इसी तरह से अगर आप बड़ा कंपनी नहीं है फिर भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी हिसाब से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद और एक मॉडल जो बहुत ही पॉपुलर है वो है वेटरनरी मेडिसिन। ये सुन के आपको लगा होगा कि मुझे तो वेटरनरी डॉक्टर बनना पड़ेगा तभी आप वेटरनरी मेडिसिन का बिजनेस कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, आप अगर ड्रग लाइसेंस ले लेते हैं वेटरनरी मेडिसिन का तो आप ये वेटरनरी मेडिसिन फॉर पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, एक वेटरनरी डॉक्टर के साथ टाई अप। इससे क्या होगा कि आप डीलरशिप ले लिए और एक डॉक्टर के साथ टाई अप कीजिए, फिर आप जो फार्मर है नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कंपनी है उनके साथ कॉन्टैक्ट कीजिए और उनको बोलिए कि मैं आप लोगों का जो रेगुलर जो वैक्सीनेशन होता है मुर्गी का, तो रेगुलरली वैक्सीनेशन देना पड़ता है, तो हम लोग वो काम कर देंगे आपको, ठीक है। तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे वो काम कर देंगे, उसके बदले मुझे इतना पेमेंट चाहिए। अब आप एक वेटरनरी डॉक्टर उसके साथ दो एक असिस्टेंट दे दीजिए, तो वो लोग क्या करेगा कि हर फार्म में जाके वहाँ पर का जो वैक्सीनेशन है वो काम से वो लोग कर देगा। अब 3-4 बार मेडिसिन देना पड़ता है, हर चिक्स के लिए आप 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जो भी कॉस्टिंग है मार्केट के हिसाब से वो लीजिए। ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है जो पोल्ट्री फार्मिंग के बेसिस के ऊपर आप कर सकते हैं। आफ्टर सर्टेन टाइम आप नॉलेज गेन करने के बाद अब फिर वो डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ तो वो कौन कौन सा मेडिसिन कब देना है ये आपको जानना है, और वो डॉक्टर को उसे बाहर रखिए और उसे कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो तभी आप उनसे बात कीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि आप खुद ही एक चेन क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर लोग जाके स्ट्रेप वो जो फार्म है जहाँ का वो मेडिसिन देगा और वैक्सीनेशन करेगा। ये बिजनेस मॉडल बहुत ही पॉपुलर है साउथ इंडिया में, जहाँ पर लेयर बांट के लिए जहाँ पर लोग जाके कुछ पैसे के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन करते हैं। इसके बाद और एक जो ये है जो अभी भी अनटैप्ड है इंडियन मार्केट पे वो है इक्विपमेंट सप्लाई स्पेशली फॉर लेयर बर्ड। दोस्तों अगर आप अमेजन फ्लिपकार्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लेयर बर्ड का जो केज है वो नहीं मिलेगा। अब मार्केट में ऑनलाइन परचेस करने जाएंगे तो कोई भी जगह आपको नहीं मिलेगा, क्या जो भी कंपनी आपको मिलेगा वो बहुत दूर होगा। इससे क्या होता है कि जो हम लोग शुरू करने बोला था 100-200 से शुरू कीजिए, तो लोग ये इक्विपमेंट ही नहीं मिलता उन लोगों को। तो अगर आप वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा, दिस इज टोटली अनटैप्ड इन इंडिया। अब जो लोकल जो कंपनी है जो ये सब केज जो फीडर स्प्रेयर ये सब बनाता है वो वहाँ से आप होलसेल में खरीद के डायरेक्टली फार्मर को सप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी है आप भी ये कर सकते हैं अलग से, क्योंकि इससे क्या होगा आप वो आपके पास तो फार्मर है ही, उनको आप डायरेक्टली ये सप्लाई कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन पे फ्लिपकार्ट अमेजन में भी ये सेल कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद आप अगर थोड़ा आपके पास कैपिटल है तो आप इंटीरियर जो शेड है उसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी कर सकते हैं। एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिक आप बॉयलर का नहीं तो लेयर बाट का जो सेट बनाने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, और उनका जो पूरा प्रोसेस है वो आप बना के रेडीमेड प्रोडक्ट आप फार्मा को दे सकते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर होगा अगर आप लेयर बाट कर रहे हैं तो। अगर ईस्टर्न एंड नॉर्थन पार्ट इंडिया में अभी भी वो बहुत ही कम है, वहाँ पर आप इजीली एक अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए थोड़ा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगा,
वो आप बैंक से लोन लेकर भी कर सकते हैं। लास्ट जो है मुझे लगता है जो बिजनेस वो है कंसल्टेंसी, जो आज मैं कर रहा हूँ या वो आप प्रोफेशनली कर सकते हैं। अगर आपके पास एडुकेशन हो, प्रॉपर एडुकेशन हो पोल्ट्री के बारे में, जो आपको बहुत सारे इंडिया में रिपोर्टेड इंस्टीट्यूशन हो दे सकता है। अगर आप वेटरनरी डॉक्टर है, नहीं तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, तो आप ये कंसल्टेंसी का बिजनेस खोल सकते हैं। अगर ये दोनों में आप नहीं हैं फिर भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, सबसे जो बड़ा है वो है डॉक्टर बी वी राव इंस्टीट्यूट ऑफ पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जो पुणे में है। वो बहुत ही पायोनियर है एक्चुअली ब्लेयर बर्ड पोल्ट्री फार्मिंग में वो इंस्टीट्यूट। आप वहाँ पर जाके ट्रेनिंग लेकर भी कंसल्टेंसी फार्म खोल सकते हैं। वो ट्रेनिंग लेने के बाद आप खुद का फार्म भी खोल सकते हैं, नहीं तो एज ए कंसल्टेंसी बाकी फार्मर को एडवाइस दे सकते हैं और वो एडवाइस के अगेंस्ट में आप पैसा ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि पोल्ट्री फार्मिंग को बेस बना के आप कितने टाइप का बिजनेस कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ हो सकता है छोटे मोटे, क्योंकि एज बिकॉज पोल्ट्री फार्मिंग दिन के दिन बढ़ते जा रहा है इंडिया में, तो इससे जो उसका जो स्पेशलाइजेशन है वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों होप आज जो मैंने एक ओवरव्यू दिया पोल्ट्री बिजनेस के ऊपर वो आपको हेल्प करेगा आपका जो बिजनेस डिसीजन लेने में। मैं इस ईच एंड एवरी पार्ट पे अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कैसे ये सब बिजनेस आप कर सकते हैं। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।